Hello friends, today we are going to discuss FDMA, Frequency Division Multiple Access. Frequency Division Multiple Access क्या होता है? ये Channel Access Method है. Channel Access Method कैसे? कि जब हमारी device connect करती है through the channel किसी और device में, तो वो उस चैनल को कैसे एक्सेस करती है, सारे रूल्स प्रोटोकॉल्स कुछ फॉलो होते हैं, कुछ रूल्स फॉलो होते हैं जिसके थ्रू, जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारी एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट करती है. अब होता क्या है कि जितने भी आपके ट्रांसमीटर्स हैं, जो भी आप, जब आपका मोबाइल सिस्टम ट्रांसमीटर के थ्रू कनेक्ट होता है, तो वो एक चैनल से के थ्रू दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होता है. बट ये क्या करता है FDMA, ये इसके थ्रू क्या होता है कि आपने जैसे CDMA में पढ़ा हुआ था कि CDMA अलाउज द वेरियस ट्रांसिस्टर टू सेंड देयर इंफॉर्मेशन ऑन अ सिंगल चैनल. ये CDMA में आपने पहले के वीडियो में पढ़ा हुआ था, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में, जिसमें यूनिक कोड असाइन किया जाता था. अब FDMA में क्या होता है कि जब आप मल्टीपल एक्सेस से करवा रहे हैं, जब मल्टीपल एक्सेस होता है बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स का ऑन अ सिंगल चैनल, तो वहाँ पर इस कोलिजन क्रॉस टॉक प्रॉब्लम आ जाती है. जब एक ही चैनल पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन सेंड हो रही है, तो आप खुद ही बताइए उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है. एक तो प्रॉब्लम हमारी क्रॉस टॉक की हो सकती है, या कोलिजन हो सकता है, डेटा करप्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो इस चीज़ से बचने के लिए, इस चीज़ को रिमूव हटाने के लिए हम कुछ मेथड्स का यूज़ करते हैं, जिसमें हमारा पहला था CDMA जो हम पढ़ चुके हैं, अब है हमारा FDMA. इसका फुल नेम फ्रीक्वेंसी, एज नेम सजेस्ट, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, जिसमें हम फ्रीक्वेंसी का डिवीजन करते हैं. अब क्या होता है, तो ये बेसिकली क्या है, चैनल एक्सेस मेथड विच इज बेस्ड ऑन बोथ एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स, बट वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर द एनालॉग सिग्नल. ओके, सो FDMA इज अ फिजिकल लिंक लेयर, फिजिकल लिंक लेयर टेक्निक. अब ये फिजिकल लिंक लेयर टेक्निक कैसे है? ये फिजिकल लिंक लेयर टेक्निक है जो कंबाइंस करता है, इट इज़ अ फिजिकल लिंक लेयर टेक्निक विच कंबाइंस लो बैट विच कंबाइंस एंड ट्रांसफर लो बैंडविड्थ थ्रू हायर बैंडविड्थ. लो बैंडविड्थ टू हायर बैंडविड्थ. ओके, अब इसमें क्या, ये बेसिकली हमारा जो यूज़ होता है, ये एक्सेस मेथड है, ये डेटा लिंक लेयर का एक्सेस मेथड है. एंड इसमें कैसे इसका कैसे वर्क होता है, हम इसका वर्किंग प्रोसेस देखते हैं. इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके ट्रांजिस्टर्स हैं, उनको कई सारे ट्रांजिस्टर्स हैं, उन्होंने एक चैनल को एक्सेस किया हुआ है, एक ही चैनल को एक्सेस किया हुआ है काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर्स में ने, तो उनको एक फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करा दी जाती है. फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अब आप फ्रीक्वेंसी का मतलब समझिए. फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसीज इज अ ग्रुप, फ्रीक्वेंसी इज अ रेट, ट्रांसफर रेट ऑन विच डेटा कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस. इसमें क्या होता है, हर चैनल को एक फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करा दी जाती है, एक फ्रीक्वेंसी F1, F2, F3, F4, F5. जब ये फ्रीक्वेंसी
जब कोई भी ट्रांजिस्टर कनेक्ट होता है चैनल के थ्रू कनेक्शन होता है तो उसको एक पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करा दी जाती है। एक फ्रीक्वेंसी इज़ अ बैंडविड्थ जो हमारा होता है, वाइडर फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो प्रोवाइड करा दी जाती है। सबको यूनिकली फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दिया जाता है जिसके थ्रू एवरी ट्रांजिस्टर ईच एंड एवरी ट्रांजिस्टर कैन कम्युनिकेट विद अदर डिवाइसेस ऑन अ सिंगल थ्रू अ सिंगल चैनल। फिर क्या होता है कि इसमें काफ़ी चांसेस रहते हैं कि चूँकि सबको एक एक फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करा दी गई है तो इसमें काफ़ी चांसेस रहते हैं कोलिजन के, क्रॉस टॉक के। तो इसको अवॉइड करने के लिए एक यहाँ पर टेक्निक यूज़ की जाती है जिसको इसको हम बोलते हैं गार्ड बैंड बोलते हैं। गार्ड बैंड बेसिकली अ नैरो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है जो डिफ्रेंशिएट करता है बिटवीन टू फ्रीक्वेंसीज को, टू वाइडर फ्रीक्वेंसी रेंज को डिफ्रेंशिएट करने के काम आता है। इसको हम कहते हैं गार्ड बैंड हमारा बेसिकली होता है अ नैरो फ्रीक्वेंसी रेंज विच क्रिएट अ गैप बिटवीन अ टू फ्रीक्वेंसीज और टू फ्रीक्वेंसी रेंज। तो इस गार्ड बैंड के थ्रू हम इसमें होने वाले कोलिजन या क्रॉस टॉक को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, पर ये पूरी तरह इस प्रॉब्लम को हल या इसका को पूरी तरह से इसका सलूशन नहीं है। आगे की जो टेक्निक है उसके थ्रू हम या आगे के जो मेथड है उसके थ्रू हम और भी जानेंगे कि इसका सलूशन और क्या हो सकता है। वो आपको TDMA टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस एंड फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम में मिलेगा। आगे की वीडियो में हम इन दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे। होप कि आपको FDMA समझ में आया। FDMA क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है जो चैनल एक्सेस मेथड होता है। ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिवाइड कर देता है ट्रांसमीटर्स को जिसके थ्रू वो चैनल के थ्रू दूसरे डिवाइस से कनेक्ट हो सके। ये बेसिकली फिजिकल लिंक लेयर टेक्निक है जो कंबाइंस करती है, ट्रांसफ़र करती है लो बैंडविड्थ थ्रू हायर बैंडविड्थ एंड बेसिकली एक्सेस्ड बाय द डेटा लिंक लेयर। इट इज़ यूज फॉर बोथ डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल बट बेसिकली यूज इन द एनालॉग सिग्नल। एंड होप गाइज कि आपको ये FDMA समझ में आई हो। एंड नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे TDMA FHSS। थैंक यू सो मच।